चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो हम स्टोरी को शुरू करेंगे और इम्पोर्टेंट स्टोरी भी है क्योंकि परीक्षा में भी तो पूछी गई है। तो चलिएगा देर नहीं करेंगे और स्टोरी को समझने की कोशिश भी करना है, ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ, ठीक है। तो सर्वप्रथम की हम लिख सकते हैं फर्स्ट, ठीक है, सर्वप्रथम। फिर सब्जेक्ट कौन है, किसका उपयोग हुआ, तो चाय का उत्पादन एवं उपभोग, तो आप लिख सकते हैं उत्पादन होता है प्रोडक्शन, ठीक है, आप लिखें प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, एंड कंस्यूमेशन, कंस्यूमेशन मीन्स होता है उपभोग, यूज भी होता है उपयोग, उपभोग यूज भी हम लिख सकते हैं, यूज एंड प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ टी, ऑफ टी चाय का। तो चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ, ठीक है, तो चीन में हुआ मतलब प्रयोग किया गया, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं हैड बिकम या बीन इन चाइना, ठीक है। प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, तो प्रारंभ में यानी बिगनिंग या स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग प्रारंभ में, इन स्टार्टिंग प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, इसका के अंग्रेजी इट, इट वॉज पेशे में बनेगा, इट वॉज यूज्ड, इट वॉज यूज्ड इसका प्रयोग किया गया दवा के रूप में, एज अ मेडिसिन, ठीक है। इन स्टार्टिंग शुरुआत में, प्रारंभ में इट वॉज यूज्ड एज अ मेडिसिन, लेकिन बाद में, बट लेकिन बाद में, लेटर, लेटर मीन्स बाद में, यह सर्वाधिक पेय बन गया, ठीक है ना। तो यह यानी कि इट बिकेम यानी बन गया, हो गया, बिकेम द मोस्ट सर्वाधिक पेय यानी कि ड्रिंक, इट बिकेम द मोस्ट ड्रिंक, यह सर्वाधिक पेय बन गया। अब की अंग्रेजी हम यही बना दें, नाउ, अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। अधिकांशतः की अंग्रेजी हम चाहे आगे लगा दें या पीछे, मोस्टली अधिकांशतः, यह यानी कि इट या दिस, यह पैदा होता है यानी पैदा किया जाता है, तो इट इज ग्राउंड, ग्रो की थर्ड फ्रॉम ग्राउंड, इट इज ग्राउंड भारत और श्रीलंका में, इन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। अब तो संपूर्ण विश्व में, अलग कर लो, नाउ, अब तो की अंग्रेजी नाउ, संपूर्ण विश्व में, इन होल वर्ल्ड, होल मीन्स संपूर्ण और वर्ल्ड मीन्स संसार, नाउ इन होल वर्ल्ड, अब पूरे संसार में, संपूर्ण संसार में, विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं चाय पीने, लोगों की चाय पीने की आदत, तो यहां हम इतना सब्जेक्ट, लोगों की चाय पीने की, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग या शिपिंग भी लिख सकते हैं, शिपिंग टी ऑफ प्यूपल हैज बिकम बन गई है क्या, आदत, हैबिट, ठीक है, टेकिंग टी ऑफ प्यूपल, लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है, कठिन परिश्रम करने के पश्चात, आप लिख सकते हैं आफ्टर
हैविंग वर्कड हार्ड पार्टिसिपल है, कठिन परिश्रम करने के बाद आफ्टर हैविंग वर्क हार्ड एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है, अ कप ऑफ टी उत्पन्न करना कॉजेज ताजगी फ्रेशनेस। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, समझिएगा, ठीक है, और आप लोगों को जरूर समझ में आएगी। चलिएगा, धन्यवाद।